नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 में। 1 मई का दिन है आज। अभी धाम खुले तो है नहीं, मगर हम यहाँ तक आए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दर्शन कराए जाए मंदिर के, तो बाहर से दर्शन कराता हूँ आप सभी को। 400 मीटर दूर है। वैसे भी दर्शन बाहर से होते हैं। वैसे भी दर्शन तो खैर बाहर से होते हैं, मगर मैंने सोचा जब यहाँ तक आए तो मंदिर के दर्शन आप लोगों को कराऊँ। तो अभी यहाँ पे रोड वगैरह का काम चल रहा है। अभी फिलहाल ये माहौल है यहाँ का। पर चोटी देखिए पहाड़ की, आप कितनी ज़्यादा डेंजर लग रही है। तो ये है मंदिर के समय सारणी, आप ये भी देख लीजिए, पूरी डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पे। और ये नजारा है यहाँ का। दोस्तों ये 2022 के पहले दर्शन है हमारे। अभी मंदिर तो नहीं खुला है, परसों सुबह से खुल जाएगा 3 तारीख से, 3 मई से, मगर पुजारी जी बाहर से यहाँ भी पूजा वगैरह कर रहे हैं। तो ये है गंगोत्री धाम जी का मंदिर। आज 1 मई है और ये यहाँ का पूरा नज़ारा। सामने एक छोटा सा मंदिर। तो परसों से यहाँ दर्शन होने शुरू हो जाएंगे भक्तों को, और अभी भी काफी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु पहले से पहुंच चुके हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं गोमुख का रास्ता। तो मंदिर के बिल्कुल बगल से ही गोमुख का रास्ता जा रहा है। कह रहे ट्रैक खोल दिया गया है, परमिशन लीजिए और जाइए। आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो ऐसा है कुछ नज़ारा, ये सामने से ट्रैक जो जा रहा है ये गोमुख के लिए जा रहा है, परमिशन लेके और वहाँ सामने परमिशन दिखा के BRO को हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मंदिर का कुछ पीछे का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तो हम हाईवे की वीडियो बनाने आए थे यहाँ तक, तो मैंने सोचा आप लोगों को मंदिर के भी दर्शन कराए जाएँ। वैसे भी जब मंदिर खुल जाता तब भी मंदिर के अंदर के दर्शन तो नहीं करने देते, वहाँ साफ लिखा हुआ है अंदर की वीडियो बनाना मना है, फ़ोटो खींचना मना है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। एक बार आपको मंदिर ज़रूर दिखाता हूं पास से। सामने देखिए बर्फ़ पड़ी हुई पहाड़ पे, और टेम्परेचर अभी भी 12-13 के आसपास ही है यहाँ पे।
बताए आप कोई रहता क्यों ना? सदियों में ये रहते कर्मचारी लोग रहते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे। फाइनली दोस्तों यही था गंगोत्री धाम जी का पूरा ब्लॉग जो हमने ऋषिकेश से शुरू किया था और मंदिर पे आके ख़त्म किया है। पीछे है हमारे मंदिर, पीछे एक भैरव घाटी करके जगह पड़ी थी, वहाँ पे फिलहाल गंगोत्री धाम जी स्थित है। और परसों सुबह वो कल शाम वहाँ से चलेंगी और परसों सुबह 11:30 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद ही आम आदमियों को यहाँ पर दर्शन करने की इजाज़त मिलेगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों।